डाउनी मिल्ड्यू आसानी से कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू क्या है यह मुश्किल होने के बावजूद हमें समझना पड़ेगा और समझने के लिए आज का वीडियो अंत तक ध्यान से देखना भी पड़ेगा, तभी हम डाउनी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डाउनी मिल्ड्यू की पहचान कैसे करें, डाउनी मिल्ड्यू का जीवन क्रम क्या है, डाउनी मिल्ड्यू के जीवन क्रम के अनुसार कौन से स्टेज में कौन सा फंजीसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, डाउनी मिल्ड्यू आने के बाद कंट्रोल कैसे करें, इसी तरह की और भी रोचक बातें डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। डाउनी मिल्ड्यू खासकर अंगूर में ज़्यादा परेशान करता है, साथ में डाउनी मिल्ड्यू ककड़ी लौकी जैसे फसलों में भी पाया जाता है। यह एक ऐसा भयानक रोग है जिसके आने पर किसानों के पसीने छूट जाते हैं और इसका समय पर कंट्रोल न करने पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। डाउनी मिल्ड्यू सॉइल बर्न डिसीज है, मतलब इसका उगम जमीन के अंदर से होता है। आपको यकीन नहीं आता तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। डाउनी मिल्ड्यू की पहचान करते वक्त ये देखिए कि पत्तियों के ऊपर पीले रंग का गोल आकार का डाउनी मिल्ड्यू नजर आता है। लौकी और ककड़ी में यही आकार षटकोणीय आकार का होता है और पत्तियों के नीचे की तरफ सफेद पाउडर जैसी फंगस नजर आती है। फल पर डाउनी मिल्ड्यू काले रंग का दिखाई देता है। कुछ फोटो डाउनी मिल्ड्यू के आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे आखिर डाउनी मिल्ड्यू बढ़ता कैसे, मतलब डाउनी मिल्ड्यू का जीवन क्रम, डाउनी मिल्ड्यू का लाइफ साइकिल क्या है। जैसे कैंसर के 3 स्टेज होते हैं, वैसे ही डाउनी मिल्ड्यू के भी 3 स्टेज होते हैं। यह मैं आपको सिर्फ अच्छे से समझने के लिए कह रहा हूँ। कैंसर और डाउनी मिल्ड्यू का कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ उनके स्टेज समान है। जैसे कैंसर की पहली स्टेज समझ आने पर उसका इलाज संभव है, वैसे ही डाउनी मिल्ड्यू के पहले इंफेक्शन होने पर तुरंत काम करने पर वह सबसे आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। अब यह पहला इंफेक्शन कब होता है, उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, तापमान यानी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। दूसरा, 60% से ज़्यादा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में बाष्प का प्रमाण। और तीसरा और अंतिम, 4 घंटों का अंधेरा हो। नीचे दिए गए 3 चीज़ों की पूर्तता होने पर ही डाउनी मिल्ड्यू का पहला इंफेक्शन होता है। यह पहला पॉइंट टेम्परेचर का है, जिसका सरल अर्थ यह है कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे होने पर डाउनी मिल्ड्यू का इंफेक्शन नहीं होता है, मतलब ठंड में डाउनी मिल्ड्यू का इंफेक्शन नहीं होता है। बगीचे या खेत में हम टेम्परेचर कम या कंट्रोल नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर की मदद से डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करना मुश्किल ही है। दूसरा पॉइंट, 7% आर्द्रता का है, जिसे हम कुछ हद तक फसलों पर कुछ कम मात्रा में पानी देकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यह भी नामुमकिन जैसा हो जाता है। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट है, 4 घंटों का अंधेरा, जिसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू के इस कमजोरी का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। कैसे, तो आइए समझते हैं एक उदाहरण से। समझ लो मेरे अंगूर के बगीचे में दोपहर 2 बजे बारिश आई, तब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंफेक्शन के लिए मिल गए, लेकिन जब तक 4 घंटे का अंधेरा पूरा न हो तब तक पहला इंफेक्शन नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ अंधेरा पड़ने से पहले मैंकोजेब वॉल्ड्राम Z78 कॉपर कोसाइड कैप्टप
इसे कॉन्टेक्ट फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। यह वह फंजीसाइड है जो पहला इंफेक्शन होने से रोकते हैं। अब दूसरा उदाहरण ये लो कि पहली बारिश रात के 10 बजे आई और दूसरी बारिश रात के 3 बजे आई, तो यहाँ 10 बजे जो बारिश आई उससे आसानी से इंफेक्शन हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अंधेरा तीनों चीज़ों की पूर्तता यहाँ हो जाती है। और रात के 3 बजे जो बारिश आई थी वहाँ इंफेक्शन जब तक 4 घंटे का अंधेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक इंफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे सूर्य प्रकाश पड़ने से अंधेरा दूर हो जाता है और 4 घंटे भी पूरे नहीं हो सकते। कई लोगों का कहना यह भी है कि अमावस की रात को यह इंफेक्शन ज़्यादा तेजी से होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश अमावस की रात को पृथ्वी पर आता ही नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का ही रिफ्लेक्शन होता है। और सबसे अहम बात, यदि पहला इंफेक्शन होने से पहले हम एक्रोबैट जैम्प्रो एक्रोबैट कंप्लीट प्रोफाइलर का सही से स्प्रे ले तो डाउनी मिल्ड्यू का इंफेक्शन हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं डाउनी मिल्ड्यू के दूसरे स्टेज की तरफ। दूसरे स्टेज पहला इंफेक्शन होने के तुरंत बाद चालू हो जाती है। यदि किसी कारणवश पहला इंफेक्शन हो भी गया तो तुरंत, मतलब पहला इंफेक्शन होने के बाद 3 दिन के अंदर कर्जेट इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको डाउनी मिल्ड्यू पर कंट्रोल मिल सके। अब चलते हैं तीसरे स्टेज की तरफ। डाउनी मिल्ड्यू का पहला इंफेक्शन होने के 7 दिन बाद तीसरे स्टेज की शुरुआत होती है। इस स्टेज में डाउनी मिल्ड्यू को हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है, जो कि पहले और दूसरे स्टेज में दिखाई नहीं देता है। तीसरे स्टेज में डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, या मेलोडियो और सेक्टिंग का स्प्रिंग करना चाहिए, साथ में रन मैन डिकार मतलब M45 और कैराथेन का कॉम्बिनेशन स्प्रे करना चाहिए। और इन सभी स्प्रे के बाद भी डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सीधे बोल्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे ले लेना चाहिए। बोल्डेक्स मिक्सचर डाउनी मिल्ड्यू का अंतिम उपाय है। और अब हम बताएंगे कुछ आसान उपाय डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। डाउनी मिल्ड्यू के स्पोर यानी बीजाणु सालों साल जमीन में जिंदा रह सकते हैं, इसलिए जमीन में सल्फर का इस्तेमाल बारी बारी से करते रहे। बारिश के मौसम में नाइट्रोजन, अमीनो एसिड, सीवीड, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल न करें। खेत या बगीचे में हवा आने जाने से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इतनी मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बना है तो एक लाइक बनता है, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। ऐसे और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।